वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 25 जनवरी को पूरे देश के मौसम का हाल। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, किस किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमें जरूर बताएं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आज का लाइक एम 1000 है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें, सर्दी से राहत नहीं, ठंड कोहरे का डबल अटैक, बारिश से आलू दलहनी फसलों को भी नुकसान, पहाड़ों पर बर्फबारी ने पूरे यूपी को शीत की चादर से ढक दिया है। कुछ इलाकों में आलम तो यह है कि लोग सारा दिन अलाव के सामने बैठकर दिन गुजार रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश ने घने कोहरे के साथ कोल्ड डे कंडीशन यानी अधिक ठंडे दिन की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और मौसम का मिला जुला असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। आलू, बटर, दलहनी और तिलहनी फसलों के साथ सब्जियों के नुकसान के आसार हैं। देश के उत्तर पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश में ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती सर्कुलेशन के रूप में पंजाब और पड़ोसी इलाकों के ऊपर बना हुआ है। हरियाणा के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। चक्रवाती सर्कुलेशन उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार से उत्तरी ओडिशा की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। इसके बाद 24 और 25 जनवरी को छिटपुट वर्षा या बर्फबारी कम हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में हल्की से भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ अलग अलग इलाकों में भारी वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में बारिश की संभावना। 24 जनवरी को बिहार, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट या भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि के भी आसार हैं। 25 जनवरी तक पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान असम, मेघालय और नागालैंड में अलग अलग गरज चमक, बिजली और ओलावृष्टि हो सकती है। और अगले 48 घंटे प्रदेश में लगातार बारिश के आसार। प्रदेश में अगले 48 घंटे हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। जहानाबाद, नवादा, भोजपुर और सारण में ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 23 जनवरी की रात से लेकर 25 जनवरी को बिहार में लगातार होने वाली बारिश और बादलों के साए रहने की वजह से रात के पारे में इजाफा और दिन के पारे में कमी बरकरार रहेगी। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। IMD के वैज्ञानिक ने कहा, हिमालय की दिशा से चल रही उत्तरी हवाओं के कारण भारी बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। 24 जनवरी को इन क्षेत्रों में ठंडे दिन रहने की संभावना है। 25 से 27 जनवरी को इन इलाकों में शीतलहर की संभावना है। पिछले एक पखवाड़े में 2 से 3 बार लगातार मूसलाधार बारिश व ओलावृष्टि से खेत खलिहान में धान के बोझे को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही गेहूं की बुआई भी कुछ खेतों में नहीं हो पाई। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं का रुख बदलने और तापमान में गिरावट के चलते 25 जनवरी मंगलवार से प्रदेश में अनेक स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना है। वहीं आज सोमवार को कई जिलों में शीतल दिन भी रहने के आसार हैं। आज 24 जनवरी 2022 को उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, चंबल के संभागों के साथ छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, बैतूल, इंदौर, धार, खंडवा और खरगोन आदि जिलों में तीव्र से शीतल दिन रहने की संभावना है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए UMB न्यूज़।